नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल दोस्तों एंड वेलकम टू द सीजन फिनाले एपिसोड ऑफ स्ट्रीट माफिया और नवाबी गादी। यहाँ दोस्तों आज स्ट्रीट माफिया का लास्ट एपिसोड होने वाला है। कई महीने पहले हमने सीरीज की शुरुआत करी थी और इसका जो मेन एम था वो यही था कि हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इंडिया के उनको ट्रिब्यूट दिया जाए। तो आज इसका फाइनल एपिसोड है और आज पहुंच चुके हैं पराठा जंक्शन में। आपको बता दूं हमने आज से पहले नवाबी गादी पे कभी पराठे नहीं कवर किए। हमने सुना है कि यहाँ के पराठे बहुत ही ज़्यादा उम्दा है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं प्रिपरेशन, अपना रिव्यू भी देंगे, आगे कहानी भी जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंटली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। सात बजे यहाँ लग जाती है, फिर हम लोग आलू उबालते हैं। आलू उबालने के बाद आटा लग जाता है। जो कस्टमर आते हैं मतलब यहाँ पे चाय, बन मक्खन, सैंडविच और आलू पराठा, पनीर पराठा, चीज पराठा और चिली चीज पराठा, आलू पनीर पराठा साथ में मतलब मिक्स होके सब मिल जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मेरे पराठे की प्रिपरेशन चालू होने वाली है। आपको बता दूँ पनीर पराठा जो है वो यहाँ का बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो उसी की तैयारी हो रही है। देखिए पनीर को ले लिया गया है और बिल्कुल अच्छे से मैश करा गया है। अब इसमें थोड़े मसाले मिलाए जाएंगे। ये देखिए सबसे पहले आ गया पनीर मसाला, गरम मसाला, उसके बाद आ गया थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी आ गई, ये आ गया हल्का सा धनिया पाउडर। आप देख रहे हैं बैक टू बैक मसाले डाले जा रहे हैं और ये हल्की सी लाल मिर्च आ गई और नमक आ गया स्वाद अनुसार। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे मसालों का फ्यूजन होने वाला है। ये लोई को ले लिया गया है, अब इसको अच्छे से बेला जा रहा है, अब इसी में स्टफिंग भरी जाएगी। ये देखिए क्या बात है। और सबसे अच्छी चीज है ये दोस्तों की क्वांटिटी आप देखिए अच्छी खासी भरी गई है। अब ये देखिए अच्छे से लोई में पनीर को पैक कर दिया जा रहा है। हमारे पराठे को तवे पे सजा दिया गया है। अब आपको बता दूं बटर में इसको बनाया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो पराठे का रियल टेस्ट, पंजाबी टेस्ट होता है वो तो बटर में ही आता है। और देखिए जी बटर की एंट्री हो चुकी है, अच्छे से फैलाया जा रहा है इसको। अभी जल्दी दूसरे साइड भी लगाया जाएगा। तो जी 5 मिनट के अंदर पराठा पूरा प्रिपेयर हो चुका है। ये देखिए अब इसके पीसेस को कट किया जा रहा है, अब होगी अच्छी वाली प्रेजेंटेशन। ये देखिए इसको प्लेट्स तो सजा दिया गया है, अब इसी में थोड़ी सी चटनी दी जाएगी। क्या बात है। तो जी हमारा बेहतरीन वाला पनीर पराठा प्रिपेयर हो चुका है, चलिए खाते हैं, देते हैं इसका पर्सनल रिव्यू। दोस्तों सबसे पहले हमारा ऑर्डर आ चुका है, मैंने पनीर वाले पराठे ऑर्डर किए हैं। आपको बता दूं पनीर के पराठे जो हैं उसकी डिमांड यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। हालांकि आपको बता दूं उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पराठे मिलते हैं, आलू का पराठा, आलू प्याज पराठा, चीज़ का पराठा, गोभी के, तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन जो कस्टमर सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो पनीर का है। तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोग के लिए पनीर पराठा टेस्ट करूँ। आपको बता दूँ बिल्कुल गर्म है ये, क्योंकि जैसे मैंने देखा था बिल्कुल तुरंत बन के आया है। तो देखिए ये चटनी से मिलाया, अब लेंगे इसकी बाइट। तो पनीर का और मक्खन का जो मिलकर स्वाद आ रहा है बड़ा कमाल का है। स्टफिंग मुझे बड़ी पसंद आई यहाँ की। ये देखिए हमने स्टफिंग प्रिपेयर करी है और जो मसाले मिलाए हैं, हमने आपको बनाते टाइम मेकिंग के टाइम दिखाया था कि बहुत सारे मसाले मिलाए गए हैं। मैं कह सकता हूँ बड़े कमाल का टेस्ट आ रहा है, बड़ा यूनिक टेस्ट आ रहा है। रही दाम की बात, 75 रुपये का दोस्तों पराठा है, तो मैं कहूँगा वर्थ है, क्योंकि 75 रुपये हालांकि मैं कहूँगा डिसेंट रेट है, बहुत कॉस्टली नहीं है, बट हाँ बहुत सस्ता नहीं है। बट हैविंग सेड दैट जिस तरह मक्खन में बनाया गया और स्टफिंग इतनी ज़्यादा भरी गई है तो मैं कहूँगा वर्थ है। तो मैं कुल मिला के कहूँगा यहाँ ज़रूर आइए, जयपुरिया के सेकेंड गेट पर गोमती नगर एरिया में आपको इनका कार्ड मिल जाएगा। सुबह 7 बजे से ही लगाना शुरू करते हो, रात के 9 बजे तक लगा। तो
तो गाइस ये था हमारा स्ट्रीट माफिया का फाइनल एपिसोड। प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे चैनल नवाबी कभी को सब्सक्राइब कर देगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी सीरीज स्ट्रीट माफिया को इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। और अगर इसी तरह आपका प्यार मिलता रहा तो क्या पता हम इसका सीजन 2 भी लें। चलिए तब तक अपने स्ट्रीट माफिया रंजन श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। और हाँ, ये वीडियो पूरा जरूर देखेगा, क्या पता वीडियो के अंदर आपके लिए एक सरप्राइज छुपा हो।